उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुबई में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार राज्य को विकास पथ पर तेजी से अग्रसर करने के लिए क्रियाशील है। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूएई के दौरे पर गए हुए हैं। मंगलवार यानी 17 अक्टूबर उन्होंने इन्वेस्ट इन उत्तराखंड अभियान के तहत दुबई में आयोजित रोड शो में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और एनआरआई उद्योगपतियों को संबोधित किया। इस दौरे पर मुख्यमंत्री धामी अब तक करोड़ों के एमओयू साइन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि हमने इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाया है। प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश की धरती से इस बात को दोहराया है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। इन्वेस्ट इन उत्तराखंड मिशन के अंतर्गत दुबई में दूसरे चरण की बैठक में विभिन्न उद्योग समूह के साथ 6475 करोड़ के एमओयू साइन किए। इसके प्रथम दिवस कुल 11925 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ये निवेश प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने के साथ ही अरोमा, कृषि, स्वास्थ्य, फूड प्रोसेसिंग एवं होटल इंडस्ट्रीज जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा। इसके माध्यम से राज्य के विकास को गति मिलने के साथ ही प्रदेशवासियों को रोजगार के नवीन अवसर भी प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड में निवेश प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाकर निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी निवेशकों को दिसंबर माह में देहरादून में आयोजित होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड आने का दिया न्योता। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री है जो आदि कैलाश पर गए। आज चार धाम आने वाले यात्रियों की संख्या 50 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। मैं आप सभी को उत्तराखंड में आमंत्रित करता हूं। आज़ादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की स्वकार्यता आज पूरे विश्व में बढ़ गई है। हाल ही में आयोजित हुए G20 में पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति और सामर्थ्य को देखा। इस बार की G20 की जो समिट हुई वो समिट देश के कोने कोने में हुई और छोटे छोटे शहरों में हुई। G20 जैसी समिट देश के कोने कोने में होना, छोटे छोटे शहरों में होना, ये इस बात का प्रतीक है कि पूरा भारत एक समावेशी रूप से यानी कि समान तरीके से विकास कर रहा है, समान तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया के लोग भारत के एम्बेसडर बनकर, ब्रांड एम्बेसडर बनकर इस समिट के बाद अपने अपने देशों में गए हैं। उसका उदाहरण मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से है कि मैं जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट में आप सब लोगों से मिलने के लिए, आप सबको न्योता देने के लिए, आप सबको निमंत्रण देने के लिए आप सबके बीच में आया हूं, उसी प्रकार से मैं इससे पहले इंग्लैंड गया था और इंग्लैंड में भी दो स्थानों पर, लंदन में और बर्मिंगम में, दो जगह पर मैं वहां के लोगों से मिला, बड़ी संख्या में लोग मिले और इस दौरान ब्रिटेन सरकार के मंत्रियों से भी मिलने का अवसर मुझे मिला। जब मैं उनसे मिला तो वो उन्होंने मुझे सबसे पहले अगर किसी बात की चर्चा करी तो G20 की समिट और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के बारे में चर्चा करें कि उनकी लीडरशिप में आज भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से तरक्की कर रहा है और कह रहे थे किस, और लग ही नहीं रहा था कि दिल्ली पहले की तरह का दिल्ली है, पूरा दिल्ली बदला हुआ। आप सब भी जो वैसे तो दुबई और दिल्ली में कोई दूरी नहीं है,